सम्मानित मूल के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज एक और राजवंश की गौरव गाथा आपको बताने आया हूं। और उस राजवंश का नाम है पासी राजवंश। भारतीय इतिहास उठा के देखिए, बौद्ध दर्शन का साहित्य उठा के देखिए, चाहे वो तिब्बती हो, चाहे वो हीनयानी हो, चाहे वो महायानी हो और चाहे वो बर्मा श्रीलंका का साहित्य हो, आपको पता चलेगा कि पासी राजवंश में कितने बड़े बड़े गौरवशाली राजाओं ने जन्म लिया है। लाखन पासी जिन्होंने लखनऊ बसाया, सातन पासी, बीरा पासी जिनकी तलवार से जम्बूद्वीप के क्षत्रिय अपने आप को कहने वाले डरा करते थे, ऊधा देवी, डालदेव पासी, स्वेलदेव पासी, ऐसे तमाम इस राजवंश में राजा हुए। याद रखिए, आप सभी लोग श्रमण परंपरा के समर्थक हुआ करते थे, बुद्ध के अनुयायी हुआ करते थे, समता का भाव था आपके मन में, आप बहादुर थे, वीर थे, लड़ाका थे, आपने अपने पौरुष से, आपने अपनी ताकत से भारत का शासक बनने तक का सफर तय किया। पूरे भारत के राजाओं का इतिहास उठा के हम देखते हैं तो 67 राजा किसी भी राजवंश में नहीं हुए, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे जमींदार ही क्यों ना हो, लेकिन इस पासी राजवंश में 67 राजाओं का जिक्र भारतीय इतिहास में मिलता है। जब आप श्रमण परंपरा को मानने वाले थे, इकट्ठे थे, जागरूक थे, आपका अपना पौरुष आपको पता था, आपका अपना सामर्थ्य आपको पता था, तो ये भारत आपके अधीन था। और जो लोग आज आपको नीच कह रहे हैं, छोटा कह रहे हैं, अछूत कह रहे हैं, आपके मुंह पर थूकने का काम कर रहे हैं, कभी आपके घरों में पानी भरा करते थे, मैं कहना चाहता हूं आज पूरे देश के पासी खानदान के लोगों से, सातन पासी के परिवार के लोगों से, लखनऊ शहर बसाने वाले बिजली पासी के परिवार के लोगों से, इस राजवंश के लोगों से, कि आप अपनी पुरानी शक्ति को पहचानो, आप अपने इतिहास को जानो, आप अपनी संस्कृति को जानो। आपने इस देश को नेतृत्व दिया है, आप कोई छोटे असहाय लोग नहीं हो। इन मनुवादी लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, आप शासक थे इसलिए इतना बद से बदतर कर दिया, आपसे शिक्षा लेकर, आपसे धन लेकर, आपको वंचित करके, आपको अछूत करके, और देखिए बद से बदतर कर दिया। मैं चाहता हूं आज अपने फिर गौरव को पहचानो और जितने भी अपने और अन्य भाई हैं उनका साथ दीजिए। मैं अपील करता हूं आप लोगों से एक बौद्ध भिक्षु के तौर पर कि जब आपने देश तब संभाला था, आज भी आप देश संभाल सकते हैं। आज कभी आपने देश संभाला था, इस देश के राजे महाराजे हुआ करते थे, शहर बसाते थे आप, सेनाओं का नेतृत्व करते थे आप, ऐसी कोई सेना नहीं थी जिसमें वीर पासी नहीं होता था, क्योंकि आपके बिना कोई युद्ध जीता नहीं जाता था। लेकिन आज आप मुख्यमंत्री नहीं, आज एमपी एमएलए आपको नहीं बनने दिया जा रहा है, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं है, बड़े बड़े पदों पर आप नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मानसिक गुलाम बना करके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आपके पूरे राजवंश को छिन्न भिन्न करके रखा है। अपनी स्थिति को जानिए, अपनी स्थिति को पहचानिए, अपनी गौरव गाथा को जानिए। कभी आपने देश संभाला था और इतने राजे महाराजे दिए थे, आज ऐसा क्या हो गया है? इसलिए मैं पासी समाज के लोगों से, बिजली पासी के खानदान के लोगों से, ऊधा देवी के परिवार के लोगों से अपील करता हूं कि उठो, जागो और अपने गौरव को पहचानो। क्या आप इस देश को बनाने वाले थे, इस देश को चलाने वाले थे, इस देश को बहुत कुछ देने वाले थे, और आज किन लोगों ने, जातिवादी लोगों ने आपको बद से बदतर कर दिया है? आज आपके घरों में दरिंदे आकर के रेप कर जाते हैं, आपका घर उजाड़ देते हैं, आपकी फसल उजाड़ देते हैं, आपके मुंह पर थूक देते हैं, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए आज भी अपनी गौरव गाथा को जानिए, बुद्ध की उस संस्कृति को पहचानिए जिसने आपको बल दिया था, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, तभी आप शासक बन पाए थे। और जो लोग कभी आपके यहां मजदूरी किया करते थे, आपकी कृपा पर जीते थे, आज वो यहां देश के शासक बन गए हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं बौद्ध भिक्षु के तौर पर, एक श्रमण के तौर पर, कि मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, इस देश के शासक के रूप में, और एक ऐसा न्यायी राजा जो ब्राह्मणों को भी न्याय दे, उनको भी न्याय दे,
जो आज आपके मुंह पर थूकने का काम कर रहे हैं, मैं ऐसी स्थिति में आपको देखना चाहता हूं। और इस स्थिति में आप जा सकते हैं क्योंकि आप शासक जाति के लोग हैं। इतिहास में भारशिवपासी लिखा है, आप शासक वंश के लोग हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मैं एक बौद्ध भिक्षु आपसे अपील करता हूं कि श्रवण परंपरा को जानिए, बुद्ध के कल्चर को जानिए, क्षमता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए त्याग करिए और निकल करके आइए। ये देश, ये दुनिया इंतजार आपका कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी जय हो।